अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक सब्सक्राइबर ने एक मिनट में पूछा था कि ये जो सुपर एलिवेशन के स्लोप लेबल हैं, इनको हम अलाइनमेंट के साथ रिक्वायर्ड इंटरवल पे कैसे प्लेस कर सकते हैं। वो 10 मीटर हो सकता है, 20 हो सकता है, जितना भी रिक्वायर्ड हो उस पर हम कैसे इसको प्लान व्यू में प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्लोप लेबल और जो डिस्टेंस है लेन का, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है, हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन एरो है और साथ में इसका सुपर एलिवेशन की स्लोप परसेंटेज है और साथ में इसका लेन का डिस्टेंस है। ओके, तो ये फिक्स डिस्टेंस है, आपका कोई भी डिस्टेंस होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। वेरिएबल के लिए भी ये एप्लीकेबल है और फिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे मेरे पास सिविल 3D ड्राइंग है। इस ड्राइंग में आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? आपको इस ड्राइंग में सरफेस रिक्वायर्ड होगी, वो आपकी कॉरिडोर की सरफेस हो सकती है, आपकी डिज़ाइन सरफेस हो सकती है। ओके, और आप इसको वेरीफाई करने के लिए, अगर आपके पास साथ में क्रॉस सेक्शन भी बने हुए हैं तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही रफली इसको क्रिएट किया है एक न्यू फाइल में जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है अलाइनमेंट है, इसका प्रोफाइल है और कॉरिडोर सरफेस है, और यहाँ पर मैंने इसके सेक्शन जो है वो कट किए हुए हैं ताकि हम अपनी जो स्लोप्स जो आएंगी इस लेबल जो हमारे पास आएंगे उनको हम वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे मेरा जो लेन ऑफसेट है, ठीक है, वो तकरीबन 8.71 मीटर है। ओके, और यहाँ पे मैंने सैम्पल लाइन जो लगाए हैं वो 10 मीटर इंटरवल पे लगाए हुए हैं, तो हम इसी को इसमें देखेंगे। तो आपने ये जो है यहाँ पे आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड हो, आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट में लाइन रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे अगर मैं ये सैम्पल लाइन जो है इनको मैं हाइड करूँ, ओके, और यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है ये भी अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये कॉरिडोर और सैंपल लाइन मैंने हाइड कर दी है, और यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो है सेम सैंपल लाइन इंटरवल पे मैंने लाइन क्रिएट की हुई है। ओके, ये राइट साइड की लाइन सेपरेट है और लेफ्ट साइड की सेपरेट है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आपने जस्ट सैंपल लाइन लगानी है और इन सैंपल लाइन को और ये अलाइनमेंट और ऑफसेट को आपने न्यू फाइल्स में कॉपी करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने इनको कॉपी किया है और लेफ़्ट साइड के लिए मैंने इनको रख के बाकी को मैंने ट्रिम कर दिया है। एक्स ट्रिम की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं और एक ही दफ़ा आप इसको बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर राइट साइड की है तो बाद में मैंने इनको जस्ट कॉपी किया है और वापस इसी फाइल में मैंने इनको पेस्ट कर दिया है, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर आ गए हैं। ओके, अभी हमने इनके लेबल के लिए हमारे पास जो है वो एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे लोड करता हूँ इसको, ये लिस्ट पे मैं इसको लोड करता हूँ। क्लोज, लिस्ट मेरा लोड हो गया है। अभी मैंने जस्ट इन लेबल को प्लेस करना है। तो इस लिस्ट का जो दो तरह का मैं आपको मेथड बताऊंगा, एक तो आपके पास अगर मैनुअल लाइंस हैं, ओके, जैसे ये मैंने यहाँ पे मैनुअल लाइन ड्रा की है, ओके, यहाँ पे ये मैं मैनुअल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है। ओके, यहाँ पे अगर ये मैनुअल लाइन पे हम इस लिस्ट को यूज करें, ठीक है, इसकी कमांड है टेस्ट। ओके, एपी लोड क्लोज टेस्ट LL2XL। ओके, यहाँ पे मैंने इसको लोड किया तो अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन मेरे पास आ रही है। तो जैसे मैं ये जो मैंने मैनुअल लाइन क्रिएट की है, मैं इनको वन बाय वन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये मेरी लाइन सेलेक्ट हो गई है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, अभी सेलेक्ट अलाइनमेंट की ऑप्शन आ रही है, मैं अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हमने अपनी सरफेस को भी सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया है
यहाँ पे मेरे पास एक्सेल के लिए पॉपअप विंडो आ गया है। ओके, और यहाँ पे ये जो है मैं इसको स्लोप्स का नाम दे देता हूँ, सेव। यहाँ पे ये जो फाइल है ये अभी ओपन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टेशन और स्लोप जो है वो एक्सपोर्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे आपने इसको ये टैब और डेली में स्पेसिमन पे रख के आपने इसको नेस्ट करना है और फिनिश करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेशन वाइज जो है हमारी ये जो स्लोप है वो एक्सपोर्ट भी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन वाइज लेफ्ट और राइट की जो स्लोप है वो एक्सपोर्ट हो गई है। तो ये तो था, अगर आपके पास मैनुअल लाइन है तो आपके पास इसी तरह से ये जो है राइट और लेफ्ट में ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके, अभी अगर हमारे पास, मैं इसको अंडू कर देता हूँ और मुझे ये अभी मुझे चाहिए 10-10 मीटर इंटरवल पे। तो 10-10 मीटर इंटरवल पे जो है यहाँ पे क्या है, इस लिस्ट में जो अभी जैसे हमने ये मैनुअल लाइन पे किया है, ये राइट और लेफ्ट की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन ये लिस्ट में आती है। ठीक है, तो एक ही दफ़ा करने के लिए मैं फिर इसको करता हूँ टेस्ट। ओके, टेस्ट टू एक्सेल। ओके, जैसे मैं आपको चेक करवाता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी अगर अलाइनमेंट में सेलेक्ट करता हूँ और मैं टिन सर्फस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई है। मैं सेम लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए पहले हमने स्लोप लिखा था, अभी मैं इसको स्लोप 1 लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी जो फाइल ओपन हो रही है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें डायरेक्शन एक ही आई है, सिर्फ राइट साइड की डायरेक्शन आई है। तो इसमें ये लिस्ट में जो है अगर हम मैनुअल लाइन से करते हैं ठीक है, तो उसमें ये डायरेक्शन ऑटोमेटिक ले लेता है, जबकि अगर हम सैंपल लाइन को जो ट्रिम करके हमने इसको क्लिक क्लिक क्विक क्लिक लगाया है इस पर, ठीक है, तो इसमें ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑटोमेटिक नहीं लेती है। तो इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको पहले राइट साइड पर कर लें और फिर लेफ्ट साइड पर कर लें। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, टेस्ट टू एक्सेल। ओके, तो मैं ये 1 बाय 1 इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं पूरी अलाइनमेंट पर करके दिखाता हूँ आप लोग कि इसमें जो स्लोप्स आ रही हैं वो बराबर आती हैं या नहीं आती हैं। ओके, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, इतने पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी ये हमारा राइट साइड हो गया। ओके, जस्ट मैं अलाइनमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इस फाइल को अभी जो मैं नाम देता हूँ ठीक है, वो मैं राइट साइड का नेम दे देता हूँ इसको। ओके, राइट स्लोप। ओके, यहाँ पे ये एक रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। ओके, अभी हम इसकी नेक्स्ट लेबलिंग कर लेते हैं और इसकी रिपोर्ट भी ले लेते हैं। ओके, टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ। ये इसमें जो प्रोसीजर है वो मैनुअल का ही है, 1 बाय 1 ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, इसलिए मैं इसको 1 बाय 1 ही करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ तक हमारा राइट था, इसी तक यहाँ तक ही मैंने इसको लेफ्ट किया है। ओके ओके, और यहाँ पे जो है हमारे पास अभी ऑप्शन आ गई है। ओके, और यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं जो लेफ्ट स्लोप जो है मैंने इसको लिख दिया है। ओके, फाइल हमारे पास अभी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आ गई है फाइल हमारे पास, हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है। ओके, और यहाँ पे डेलिमिटेड है, स्पेसिमन
स्पेसिमेन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। यहाँ पे आ गया है हमारे पास ये, ओके, और ये हो गया। अभी आपने इसको जस्ट लेफ्ट कर देना है। अगर आपको एक्सेल रिपोर्ट रिक्वायर्ड है तो आपने इसको जस्ट लेफ्ट करना है, ओके, और इसको आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है। अभी आप इसको यहाँ से कॉपी करें और पहले वाली जो रिपोर्ट है राइट साइड की, आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। पहले आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट टू डेलिमिटर कर लें, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ओके, और यहाँ पे मैं इसको लाके अभी पेस्ट कर देता हूँ। ये जो हमारी लेफ्ट साइड की थी, ओके, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट वैल्यू, ओके, पेस्ट कर दिया डायरेक्ट मैंने। अभी लेफ्ट और राइट ये इसमें आ गया है, मैं इसको ओके, और अभी ये जो है इसमें हमने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको कर देना है, सॉर्ट कर देना है। यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें, ओके, यहाँ पे ये राइट और लेफ्ट जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे राइट और लेफ्ट की जो स्लोप है, ठीक है, वो स्टेशन वाइज जो है वो अरेंज हो गई हैं। तो अभी अगर आप इसको किसी स्टेशन पे वेरीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे ये स्लोप है 50 पे, ओके, ये हमारे पास प्लान व्यू में भी इधर है, हमें एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पे जहाँ पे ये डिफरेंट है वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये मैच हो रही है या नहीं हो रही। जैसे ये स्टेशन है, ये हमारा 50 का स्टेशन है, ओके, यहाँ पे हम 50 के स्टेशन को जूम करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ओके, ये 50 का स्टेशन है। यहाँ पे -3.094 है, -3.094 है, और यहाँ पे ये प्लस में आनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3.094 आ रही है। हम कोई दूसरा स्टेशन भी चेक कर लेते हैं, जैसे ये स्टेशन है, ये 20 का स्टेशन है, ओके, ये 20 का स्टेशन है, यहाँ पे -2 है, और इधर ये जो है -542 है, -542 है। तो उम्मीद है इसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन लेबल्स को हम कैसे लगा सकते हैं, और विद डायरेक्शन एरो है ये, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा जो है परफेक्टली जो इसमें बन गया है। जैसे ये 180 का स्टेशन है, हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके, ये 180 है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 और +4 है, -4 और +4 है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।